राजीव महर्षि, जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ नीड्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड द पॉलिटिक्स सराउंडेड अराउंड इट्स रिपोर्ट्स। अब इस टॉपिक में हम इस जो आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस कितना पुराना है, इसी क्या इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली इट स्पीक्स थ्रू इट्स रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उन रिपोर्ट्स से कितने स्कैम्स, किस टाइप के स्कैम्स एक्सपोज हुए हैं, और वो जो रिपोर्ट्स हैं फिर वो आपकी जो प्रेजिडेंट को सबमिट होती हैं या स्टेट लेवल पे गवर्नर को सबमिट होती हैं, फिर वो आपकी पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी उसको डिस्कस करती है, वेरीफाई करती है, कैग की सपोर्ट ले जाती है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट हमारे जो हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है अकाउंट्स में या फाइनेंस में या ऑडिट में, तो कैग की ही बेसिकली कैग एक्ट्स इन एडवाइजर फिलोसफर फ्रेंड ऑफ द ईएसी। और इस तरीके से जब भी रिपोर्ट्स आती हैं, और हमने जब आपका 2G स्कैम, आपका माइनिंग वाला जो एक्सपोज हुआ जो इन रिपोर्ट्स से, वो एक्चुअली अपने रिपोर्ट्स में मॉडल्स देते हैं, वो ऐसे एक्सपोज नहीं करते, वो उसको स्कैम नहीं बोलते हैं, वो अपने ये देखते हैं कि नोशनल रेट के हिसाब से फिक्स करते हैं, 3, 4 या 5 मॉडल्स देते हैं वो, अगर इस हिसाब से किया जाता तो इतना रेवेन्यू हो सकता था, तो अपने वो फाइंडिंग देते हैं। अब वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है, इनको हटाना भी बहुत मुश्किल है, और जो रिसेंटली आपका जो कैग का एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें जो भी पैसा आता है अंदर या वहां से एक्सपेंडिचर के लिए निकाला जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो ऑडिट है वो आपका कैग की ड्यूटी है। लेकिन हम जब पूरा मैंने इसको एनालिसिस किया, स्टडी किया, तो ये देखने में पता लगा कि सिर्फ 40% जो पैसा है गवर्नमेंट मनी सिर्फ उसी का ऑडिट होता है, तो वेरी शॉकिंग 60% रुपीज का ऑडिट ही नहीं होता है, और वो क्यों नहीं होता वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या रीएम्प्लॉयमेंट वाले भी इश्यूज हैं कि कैग बेसिकली अगर अपना जब ऑफिस छोड़ते हैं उसके बाद उनकी रीएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, लेकिन हमने देखा कि वो कभी गवर्नर लगते हैं, कभी किसी इंपॉर्टेंट कमेटी के चेयरपर्सन भी बनते हैं, और इसमें क्या क्या सुझाव किए जा सकते हैं कि इस ऑफिस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, इसको क्या मल्टी बॉडी बनाया जा सकता है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के हाथ में ना हो के, यानी सिंगल हैंड या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ना हो के, इसको कॉलेजियम सिस्टम की तरह किया जाए, तो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और हम इसको स्टडी करेंगे बिल्कुल छोटे एग्जाम से लेकर और यूपीएससी के लेवल तक का एनालिसिस करके। सो लेट्स बिगिन। बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं हम। बेसिक कंसेप्ट्स देखिए, बेसिक कंसेप्ट आपका इसमें क्या है, आपके वी हैव 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और तीनों का आपस में चेक एंड बैलेंस रहता है। जुडिशरी को 4 टाइमिंग के लिए आप अलग कीजिए, तो यहाँ पर बात आती है एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव आपके लेजिस्लेचर से ही निकलते हैं, तो उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग रहती है। यानी अगर मैं बात करूँ कि सपोज आज आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, वो आज आपके एग्जीक्यूटिव भी हैं, ऑन द अदर हैंड वो आपके MP भी हैं, तो वो लेजिस्लेचर भी हैं, वो आपके एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो इसलिए एक कंफ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि अगर जो एग्जीक्यूटिव आपका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको कैसे चेक एंड बैलेंस किया जा सके, तो वो आपका ऑब्वियसली वो पावर आपके पास लेजिस्लेचर आपके पार्लियामेंट के पास है, और वो पार्लियामेंट आपका चेक एंड बैलेंस करती है कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के हिसाब से। तो अब देखिए इसमें जो एक तो उसको सबसे पहले कैग आपका जो टैक्स पेयर बनी है उसको चेक करता है, उसको ऑडिटिंग करता है उसकी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। ये मैंने आपका पहले भी जब हमने जो पार्लियामेंट्री कमेटीज की थी तब भी इस पर डिस्कस किया था, तो इसमें जब आपकी रिपोर्ट्स आती है तो अपोजिशन को चांस मिलता है कि जो रेगुलरिटीज कैग रेज करता है, तो जैसे काफी सारे लॉट्स ऑफ स्कैम जो एक्सपोज हुए हैं पहले भी, और यहाँ पर स्पेशली इनका ये रहता है कि कैसे परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए, इकोनॉमिकली इफेक्टिवली एफिशिएंट ऑडिट किया जाए कैग के द्वारा। परफॉर्मेंस ऑडिट उस पर आजकल ज्यादा एम्फेसिस ले किया जा रहा है, टू एंश्योर दैट द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी of spending has been done, which means it is a slightly higher level of audit to ensure optimal utilization of funds in the best possible. Abhi legal framework ki baat karte hain to ye Indian Audit Accounts Department bahut purana hai, ye 1753 mein British ke time mein kiya gaya tha, aur aapka ye 1858 mein first auditor general sir Edward Drummond aapke appoint kiye gaye, office is tarike se develop hota gaya ye office, aur aapka 1919 mein jo aapka auditor general was मेड एन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये अलग से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसको स्ट्रेंथन किया गया, ऑडिटर जनरल की पोजीशन क्रिएट की गई, और 1936 में इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑर्डर 1936 बनाया गया, जो बाद में 1971 में इसको रिपील भी कर दिया गया।
अब यहाँ पर देखिए, मैं इस पे क्यों बताना चाह रहा हूँ, आपका जो कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनके अंडर आता है इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये बेसिकली UPSC में जो आपका IFS, IAS, IPS, IRS के अलाइड सर्विसेज में ही आता है UPSC के थ्रू ही। लेकिन कैग जो होता है वो आपके मोस्टली, उसकी कोई क्वालिफिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन जनरली वो IAS अफसरों को लगाया जाता है जिनका फाइनेंस में एक्सपोजर हो चुका है, जो स्पेशली आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो फाइनेंशियल मैटर से डील किया हुआ है, तो ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन वो आपके जो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस वाले जो ऑफिसर्स हैं, वो आपके डिप्टी कैग तक जाते हैं। डिप्टी कैग का जो स्टेटस है, ये सेंक्शन 7 पोस्टिंग इनकी, और ये आपका सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। और आपके स्टेट लेवल पे जो आपके अकाउंटेंट जनरल होते हैं AG, वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस वाले ऑफिसर होते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के बारे में। तो देखिए, इसमें B.R. अंबेडकर साहब ने कहा था कि चार जो ऑफिसेज हैं, अगर वो जितने स्ट्रेंथन होंगे तो डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। आपके सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जितना इंडिपेंडेंट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा, तो ऑब्वियसली आपके जो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है, जो आपके IAS, IPS, IFS जो कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो सेंट्रल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, वो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और आपके इम्पार्शियल होंगे, तो ऑब्वियसली उतने ही आपका जो आउटपुट है उतना ही अच्छा होगा, डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, उतना ही अच्छा काम करेंगे। और ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है कि जितने फ्रीली फेयरली इलेक्शन होंगे, क्वालिटेटिव इलेक्शन होंगे आपके, जिसमें कोई भी रिगिंग या इरेगुलरिटीज ना हो, तो उतने ही हमारे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाएंगे, उतने अच्छे लॉज बनाएंगे, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। सेम वे कंट्रोलर आपका ऑडिट जो आपका है कैग, तो कैग का ऑफिस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा आपका जो मनी के ऊपर चेक रहेगा कि एग्जीक्यूटिव उसको अननेसेसरली या इलॉजिकल खर्च तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चार ऑफिस भीमराव अम्बेडकर साहब ने बड़ा इन पर स्ट्रेंथन किया था। और आप देखोगे कि चारों का क्या है कि इनका रिमूवल का जो प्रोसीजर वो इम्पीचमेंट के द्वारा है, ताकि इनको इनका जो ऑफिस है वो प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट के ऊपर नहीं छोड़ा कि कभी भी हटा दिया। जैसे मैं अगर बात करूँ अटॉर्नी जनरल का, अटॉर्नी जनरल इज सेट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, ये मे बी रिमूव एट एनी टाइम, लेकिन ये जो है इनका फिक्स टर्म है और इनका जो हटाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इसलिए आप देखिएगा इनका। और आप इनको भी देखोगे कि जो इनका स्टैंडिंग जो है आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में एट 9th प्लेस मिलेगा, क्या नहीं, यानी आपका जो कैग का जो है वो आपको 9th प्लेस मिलेगा आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। तो कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, उसका जो स्टेटस है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ही मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी आपका देखिए, ये गवर्नमेंट और जितनी पब्लिक जो आपकी अथॉरिटीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है इसके वर्क से। और आप अभी जो राजीव मैरिसी हैं, ये IAS राजस्थान के कैडर के जो अभी कैग हैं प्रेजेंट, अब देखिए इसमें जो ये मैंने बताया था कि ये 9th प्लेस पे हैं, ये ऑफिशियली आप देख सकते हैं, अलॉन्ग विद द चेयरपर्सन इन UPSC, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कंपेरिजन विद द ब्रिटेन जो आपका कंट्रोल ऑडिटर जनरल, तो ब्रिटेन और इंडियन का जो कैग का इंस्टीट्यूशन, दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो आपका कैग, इंडियन जो कैग है वो आपका करता है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम मींस एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी काम हो चुका है, एक साल पूरा फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है, उसके बाद 1 month के बाद सारे डिपार्टमेंट्स अपनी जो ऑडिटिंग के लिए फाइल भेजते हैं, पूरा रिकॉर्ड भेजते हैं, पूरा लेटर मेमो सब कुछ, उसके बाद कैग फिर उसका अपना काम करना शुरू कर देता है। तो कैग बाद में बताता है, डायग्नोज करके कहाँ क्या इरेगुलरिटीज हुई है। या लेकिन यूके के अंदर क्या है कि जो वहाँ का कैग है वो साइमल्टेनियसली, अगर वहाँ से आपको एक्सचेकर से, पब्लिक एक्सचेकर से अगर कोई पैसा निकालना है तो कैग की अप्रूवल चाहिए। तो ऐसे में ये रहता है कि प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टार्डी हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके चांसेस बहुत कम रहते हैं और सिस्टम काफ़ी रब्यूस्ड रहता है। वैसे यहाँ पे भी अपने डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑडिटर होते हैं उनकी भी अप्रूवल ली जाती है, पर कैग इज समथिंग डिफरेंट। कैग में 3 level पे वेटिंग होती है, तो कोई स्कोप नहीं रहता मिस्टेक का। और वहां पर एक ये भी है कि आपका जो कैग है, कैग इंडिया में आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में आपका जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके मेंबर होते हैं, कि ये भी डिफरेंस है। अब हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। आर्टिकल 149 टू 151 कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो आर्टिकल्स हैं ये सारा का सारा आपका डिस्क्राइब करते हैं। और इस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो आपका कंडीशनल सर्विस एक्ट 1953, जो कि आपका रिपील हो जाता है 1971 में, और उसके बाद इसमें 4 अमेंडमेंट हो चुका है, 1976, 1984, 1987, 1994।
अब देखिए इसमें आपका ये 148 कर लेना, अब लास्ट स्लाइड में 148 से लेकर 151 है, तो यानी चार आर्टिकल हैं जो आपके कैग से डील करते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंटमेंट ओथ कंडीशन डील करता है आपका आपका आर्टिकल 148। आपको पता है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, आपकी जो ओथ है वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं आपको, और कंडीशन ऑफ सर्विस आपकी जो 1971 वाला एक्ट वो कौन करता है। 149 में ड्यूटीज एंड पावर है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपके 1971 वाला जो एक्ट है उसमें प्रिस्क्राइब है। 51 में आपको बता रखा है कि जो आपका यूनियन स्टेट्स का जो अभी अकाउंट्स है उसको वो ऑडिट करके, और जो सेंटर का है तो वो प्रेसिडेंट को वो सबमिट करेंगे रिपोर्ट अपनी, और स्टेट का है तो वो रिस्पेक्टिव गवर्नर को करेंगे, और जो यूटीज विद लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट करेंगे। 151 जो आर्टिकल है आपका, जो आपकी रिपोर्ट्स में ऑलरेडी आपको बताई दी है, 279 में नेट प्रोसीड्स है, बेसिकली कैग ही सर्टिफाई करता है कि नेट प्रोसीड ये है, तो दैट इज अ फाइनल। अब आपका थर्ड शेड्यूल में इनका ओथ का बता रखा है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की पॉइंट टू नोटेड सेम ओथ है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप में शो कर रहा है कि कैग का ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड शेड्यूल में आप देख सकते हैं, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जो कैग है आपकी, इंडिपेंडेंस में ऑलरेडी पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ कि अगर एक तो इनकी रिटायरमेंट की 65 है और या 10 और 6 ईयर्स है। अगर मैं अब आपको दो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ कि समोन इज अपॉइंटेड एज कैग एट द एज ऑफ 62, तो अगर वो 62 होते हैं और 65 रिटायरमेंट एज है तो 3 साल ही रह पाएंगे वो, क्योंकि विच एवरी जर्लियर, या तो 65 हो जाए या 6 ईयर जल्दी हो जाए। अगर कोई बंदा 55 में अपॉइंट हो जाए तो 61 में वो रिटायर हो जाएगा एज ए कैग, ठीक है ना, विच एवर वेद इज द अर्लियर। तो कैग का जो हटाने का प्रोसीजर है वो बहुत ही टफ है, लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है, और रिटायरमेंट के बाद कोई भी जो ऑफिस है वो इनएलिजिबल हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे TN चतुर्वेदी साहब हैं जो कि बाद में गवर्नर भी बने आपके शायद तमिलनाडु के, और उन्होंने बफोर्स जो स्कैम की ऑडिट जो अपनी कैग की रिपोर्ट सबमिट की थी, और उसके बाद फिर अपोजिशन ने आके उनको गवर्नर बना दिया था, तो इस तरह के इश्यू चलते रहते हैं। अब देखिए आपका जो सैलरी एंड अदर कंडीशंस कांट बी वेरी टू इज डिसएडवांटेज, एक बार अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर उनके जो सर्विसेज कंडीशंस है उनके अगेंस्ट डिसएडवांटेजली वो नहीं की जा सकती, तो ये भी प्रोटेक्शन है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्शन है। और आपका इनका जो सैलरी अलाउंसेज पेंशन वगैरह सारी जो कैग के हैं वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, और दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट। हम बजट में पढ़ेंगे कि कौन से जो हैं आपके वोटिंग होती है कि नहीं, ऊपर सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती। तो हम देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेज और जो इंपॉर्टेंट जो ऑफिस हैं, चीफ इलेक्शन UPSC, इन सबकी जो सैलरी पेंशन सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है विदाउट वोटिंग। तो ये एक्ट का कटआउट लिया है जो इम्पोर्टेंट है आपको, ये जो ज़्यादा जरूरत है। अभी हम फंक्शन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबके ऑडिट करते हैं, और ये अपने ये जी का कहना है कि सरकार ने 3,66,00,000 रुपए का गैर जरूरी खर्च मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए ज्यादा महंगी और आलिशान मर्सिडीज की एम गार्ड मॉडल खरीदने के लिए किया। जब फिर ऑडिट रिपोर्ट आपको रिस्पेक्टली प्रेसिडेंट और गवर्नर को दे रहे हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ बार बार। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कैग एक्ट एज ए गाइड फ्रेंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वही है जो मैंने कमेटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटीज में बताई थी, 3 कमेटीज में बताई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपकी एस्टिमेट कमेटी और आपकी PSC उसकी पब्लिक अंडरटेकिंग की। तो यहाँ पर PSC में आपके 15+7 तो आपकी ये मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन से होता है। अब 3 ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बजट भी करेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, जो यानी बेसिकली आपने एक्सपेंडिचर कितना किया है, और ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स होती है कितना आपने टैक्स के थ्रू आपने इनकम की है, और ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो आपकी PSUs वगैरह हैं, तो भेल है आपका, NTPC है, ये मैंने उसमें बताया पूरी डिटेल से पिछली वीडियो में, तो उसमें सारी 3 तरह के ऑडिट्स होते हैं, और जनरली एक साल में 40 से 50 के बीच में जो कैग अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, क्योंकि आपकी 52 आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, फिर उनके अंडर डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट्स का अलग से रह जाता है, तो इतनी सारी जो कैग है वो कैग की भी अपनी स्टाफ की लिमिटेशन है, तो कैग का भी आई थिंक जो स्टाफ है वो 40,000 या 45,000 के करीब है, तो बहुत कम स्टाफ की भी लिमिटेशन है। परफॉर्मेंस ऑडिट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है कि जो आपका बेसिकली स्कीम ये बताए कि कितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली जो पैसा यूज किया गया है आपका, और उसको बेटर वे से किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसमें जो डेफी है उसको हाईलाइट करना। परफॉर्मेंस ऑडिट देखिए जैसे मनरेगा का है, निर्भया का है, कि क्या जिस टारगेट के लिए वो बनाई गई थी क्या टारगेट वो अचीव किया उन्होंने।
लिमिटेशन है अभी कैग्स के पास ही। अब यू वुड बी क्वाइट मतलब अनहैप्पी टू नो कि कैग्स की भी अपनी, कैग की भी अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है। एक तो कैग की रिपोर्ट थी कि मैंने बताया कि आपकी पोस्ट फैक्टो होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी पूरा फाइनेंशियली जाने के बाद फिर ही अपनी रिपोर्ट्स, फिर उसको स्क्रूटनी करते हैं। तो अल्टीमेटली जो काम या जो स्कैम हो ना होता है वो हो चुका होता है। ऑन आगे के लिए प्रोस्पेक्टिव के लिए हो जाता है कि यस वो डायरेक्शन आ जाती हैं, फिर उस पर डिस्कशन होता है पैक और पार्लियामेंट में जाके, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती है। सीक्रेट जो सर्विस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे आपकी अगर मैं डिफेंस सर्विस में बताऊँ तो आपका सीक्रेट आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस फंड होता है, ऐसे बहुत सारी जो आपकी एजेंसीज हैं उनके जैसे कुछ फंड्स होते हैं जो ऑडिटेबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो अलार्मिंग इश्यूज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स, देखिए आज जैसे मल्टीफेरियस फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आजकल बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। जैसे BOT है, बिल्ड ऑन ट्रांसफर मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसफर है, तो उसमें जो इनके एग्रीमेंट होते हैं, अगर उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस वुड बी ऑडिटेड बाई द कैग, मे बी ऑडिटेड बाई द कैग, तो उस केस में गवर्नमेंट की स्वीट विल है और चाहे तो रेफर कर सकती है कैग को। लेकिन कैग चाहता है कि ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो और उसके लिए आपका जो कैग एक्ट 1971 का उसमें अमेंडमेंट किया जाए। बहुत सारे जैसे NGOs या सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू काफी कुछ हो रहा है, तो उनकी भी जो फंडिंग होती है वो भी ऑडिटेबल नहीं है। अब मैं बता चुका हूँ जो आपकी NGOs है, लोकल बॉडीज हैं, आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, बहुत सारा पैसा इनके थ्रू जा रहा है आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ के लिए, तो वो कैग ऑडिटेबल नहीं है। तो ये एक यहाँ पे कंसर्न है जो कैग ने भी 2009 में अपना एक ड्राफ्ट बना के भेजा था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स आते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। द स्टेट इज द लीगल ओनर ऑफ द स्पेक्ट्रम एज द ट्रस्टी ऑफ द पीपल, यानी बेसिकली जितने भी हमारे कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो बड़े वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं और वो जनता के हैं, लेकिन जनता ने उनको इंटरेस्ट कर रखा है, इंटरेस्टेड विद द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को बड़े ध्यान से उनको रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और सिर्फ कॉमर्शियल एक एंगल नहीं होना चाहिए, एक वेलफेयर भी एंगल होना चाहिए, तो ये कोर्ट ने बोला है। और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 2010 का केस है ये, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बोला इन्होंने। तो यहाँ पर वो बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी एंड लार्जर पब्लिक गुड, जो मैंने भी बताया। अब इसमें अभी की इंपॉर्टेंट केस है, आप देखिए अब मैं यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अभी ऑडिट जो हो रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज का हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर का हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं कैग का ऑडिट हो रहा है। लेकिन बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है PPP मॉडल के तहत, या आपकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे अभी हम टेलकोस देखेंगे, टेलीकॉम कंपनीज देखेंगे, चाहे आपकी रिलायंस है, जियो है, आपकी एयरटेल है, तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं कि जो स्पेक्ट्रम लेती हैं तो स्पेक्ट्रम चार्जेस पे करती है यूनिफाइड असेस सर्विस। यूनिफाइड असेस होता है कि यानी एक ही लाइसेंस के थ्रू आप बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, तो वो जो आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हो DOT से, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो आप सरकार को कुछ फीस देते हो, और वो लाइसेंसिंग फीस जो है, अब आपने जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ से परसेंटेज होता है। अब आपने बोल दिया कि हमें इतना इन्फ्लेट करके आपने दिखाया कि इतना एक्सपेंडिचर इतना ये हुआ, और आपने सिर्फ जो प्रॉफिट है बहुत कम दिखाया, और तो जब आपने ओवरऑल अपना प्रॉफिट मैनिपुलेशन करके बहुत कम दिखाया और उसका कुछ सर्टेनली कुछ परसेंट आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जो ये प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो ये प्राइवेट टेलकोज हैं, ये कुछ गड़बड़ कर रही हैं और इनका ऑडिट जो चेक होना चाहिए, ताकि जो रियल पिक्चर, जो रियल प्रॉफिट मिले वो कुछ ज़्यादा मिलने का आसार है, और ज़्यादा मिलेगा तो हमें भी ज़्यादा शेयर मिलेगा। अल्टीमेटली देखिए जो आपका पैसा वहाँ पे, गवर्नमेंट का भी कुछ पैसा जा रहा है, जो आपका वहाँ से पैसा आ रहा है जो लाइसेंसिंग फीस के थ्रू दे रहे हैं वो, तो इसे हम लोग कुछ ज़्यादा आना चाहिए था, तो यानी कंसोलिडेट फंड अफेक्ट हो रहा है, और कंसोलिडेट फंड अगर अफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली कैग विल कम इन टू द पिक्चर। तो यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कैग की ज्यूरिडिक्शन को बढ़ाने की, जो सुप्रीम कोर्ट ने, तो आई होप जो मैं पॉइंट आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो मार्च 2014 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, कैग कैन गो थ्रू द बुक्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनीज, 2 जजेस बेंच डिसीजन, ये 2 जज का फैसला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द टेलीकॉम कंपनीज पेज द गवर्नमेंट ए शेयर ऑफ रेवेन्यू एज पर द यूनिफाइड असेस सर्विस लाइसेंस एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड गवर्नमेंट, एग्रीमेंट हो गया जो भी मैंने बताया था आपको। अंडर दिस एक्ट 1971 डिफाइन ऑडिटर्स पावर, द कैग हैज जॉब टू ऑडिट ऑल रेवेन्यूज फ्लोइंग इन टू कंसोलिडेटेड फंड, में जो पैसा आ रहा है या वहां से जो जा रहा है, तो सबको ऑडिट करने की पावर है कैग के पास। टेलकोज यानी टेलीकॉम कंपनी स्टैंड दैट दे वर अंडरगोइंग स्पेशल ऑडिट
एनी वे बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, हैंस नो नीड बाय द कैग, एंड कैग इज नॉट ऑथराइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1971 एक्ट, जो कैग का है। तो यानी कह रहे हैं कि देखिए जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसके तहत ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से हम ऑडिट करवा रहे हैं, तो कैग की जरूरत ही नहीं, और कैग इम्पावर्ड ही नहीं है 1971 एक्ट के तहत, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज रिलाइज्ड मोर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन 1971 एक्ट। उन्होंने कैग की पावर को एक्सटेंड किया विद दिस प्ली कि देखिए, रेदर देन जस्ट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ विच कवर्स ओनली टेलीकॉम सेक्टर, यानी ट्राई या टेलीग्राम एक्ट, आप इनसे बाहर निकल के एक ओवरऑल आपका एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, नो एक्ट नो लॉ इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू असर्टेन वेदर द यूनियन ऑफ इंडिया एज पर द लाइसेंस एग्रीमेंट हैज रिसीव्ड इट्स फुल एंड कंप्लीट शेयर ऑफ द रेवेन्यू बाय वे ऑफ लाइसेंस फीस एंड द स्पेक्ट्रम चार्जेस। तो जजी जी कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है एक्चुअली, गवर्नमेंट को ये कैसे पता लगेगा कि आपको एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ है, और अगर रेवेन्यू ज्यादा हुआ है तो इनको शेयर ज्यादा मिलना था, या तो यहाँ गवर्नमेंट की जो कंटेंशन है कि हमें रेवेन्यू कम मिल रहा है इन टेलको से, तो इनके पास कोई और चारा नहीं, कैसे होगा। तो कैग इज द फाइनल अथॉरिटी टू ऑडिट एंड सर्टेन द ट्रू पिक्चर, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इस तरीके से कैग की जो पावर है वो बढ़ जाती है इस डिसीजन के बाद। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होने वाले हैं। इसके इम्पैक्ट ये होने वाले हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें आपका 2010 में होता क्या है कि गवर्नमेंट को लगता है, दिल्ली गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को, कि कुछ ना कुछ जो आपकी दिल्ली की जो तीन जो कंपनीज थी वो कुछ गड़बड़ कर रही हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर थी, डिस्कॉम्स बोलते हैं उनको, तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो उनको वो कुछ गड़बड़ कर रही हैं अपने रेवेन्यू में। और तो तब उन्होंने बोला कि हम इनका कैग से ऑडिट कराएंगे, तो तब वो बोलते हैं, वो चले जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने क्या किया कि प्राइवेट कंपनीज के फेवर में दे दिया कि यस कैग आपका इनका ऑडिट नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनीज का। लेकिन फिर वो चले जाते हैं आपके, उसमें कुछ रॉ के आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग भी जाते हैं, आपकी दिल्ली गवर्नमेंट भी जाती है, और कैग भी जाता है, तो तीनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, और वो अपील अभी पेंडिंग है। और वहाँ पे तो इन्होंने प्राइवेट कंपनी जो थी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने तो ये भी कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाए, फाइव जज बेंच को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, दो जज बेंच इज सफिशियंट इस मैटर के लिए। तो अब वो केस पेंडिंग है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन अब ये फैसला आ चुका है जो टेलकोस का है सुप्रीम कोर्ट का 14 वाला, तो इसका बेनिफिट वहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि वो भी प्राइवेट कंपनी थी जो आपकी आपकी एयरटेल है और दूसरी जो आपकी टेलीकॉम्स थी। तो ऐसे ही जो डिस्कॉम्स हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं दिल्ली वाली, ये भी प्राइवेट कंपनीज हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बेनिफिट जाएगा और एक कैग के और गवर्नमेंट के फेयर में जाएगा, और कैग होपफुली इनका ऑडिट कर पाएगा। तो यहाँ पर यही मैंने इसमें लिखा है, तो आप प्लीज़ देख लेना। और इससे क्या भी होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हाईवे आप जाते हो, टोल देते हो आप कितना, तो आप देखिए कि इनका कोई ऑडिट ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये सिर्फ जो कंपनीज हैं, ये आपका जो ट्रिपल पी मॉडल में चल रहा है, ये कुछ शेयर देते हैं और दैट्स ऑल, तो इनका ऑडिट हो नहीं पा रहा है कितना क्या हो रहा है, जो जिस प्रोजेक्ट के लिए जितना इनका इन्वेस्टमेंट किया गया था, और वो सारी कैलकुलेशन अगर इनका कैग का ऑडिट हो जाए, तो जितना ये टोल स्कैम जो इंडिया में है ये एक्सपोज हो जाएगा, और ये आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। तो ये मैं कहता हूँ इमीडिएटली इसको अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार को, आई डोंट नो व्हाई ये काम नहीं हो पा रहा अभी तक। जो आप जैसे आपका रिलायंस KG D6 है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिटेयरिंग जो कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, प्राइवेट एंटिटीज कर रही हैं, क्योंकि वो आपके उसका फायदा उठाते हैं। देखिए सरकारी कंपनी क्या बनती है, जब 51% शेयर हो आपका, उसमें मान लिया गवर्नमेंट का 49 में, तो स्टिल प्राइवेट कंपनी है, और उसमें फिर वो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल बॉस को खुश किया और आप कैग के ऑडिट से बाहर हो गए। तो इस तरीके से जो आपका इसमें भी KG D9 रिलायंस का एक साल तक ये टाल मटोल करते रहे, और फिर एक साल के बाद ये एग्रीड हुए ये कैग से ऑडिट कराने के लिए, तो होपफुली ये चीज़ें इंप्रूव हो और इस पर काम करना चाहिए जल्दी। आप ये लिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर जनरल है, देखिए नरहरी राव पहले आपके कैग थे, वी नरहरी, और लास्ट तो पहला लास्ट याद रहते, बीच के याद नहीं रहते। वे फोर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कूलिंग पीरियड मेरे से बनना है कि कूलिंग पीरियड होना ही चाहिए हर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, चाहे आपके वो चीफ इलेक्शन कमीशन हों, या आपके दूसरे आपका कैग भी हों, तो कम से कम 2 या 3 साल का तो एटलीस्ट कूलिंग पीरियड होता है। और ये हर बार ये बात उठती है जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज को रिटायरमेंट के बाद कोई भी गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देती है, क्योंकि इसमें एक ये बड़ी अच्छी लाइन है, जैसे देखिए आप, द रिटायरमेंट जॉब ब्लंट्स द एज ऑफ प्रोबिटी इंटीग्रिटी इम्पार्शियलिटी दैट शुड बी प्री रिक्विस्ट फॉर द ऑफिसर्स कैग CVC चीफ इलेक्शन कमीशनर इवन हायर जुडिशरी। जैसे अभी रिसेंटली CJI अपने जो थे गोई साहब, वो राज्यसभा में MP बने, तो काफ़ी इवेंट कराई हुआ,
तो अल्टीमेटली क्या है कि फेयरनेस नॉट टू बी डन, सीम्स टू बी डन। तो इस तरीके से कुछ ये मैकेनिज्म होना चाहिए। अब एक वायर का एक आर्टिकल है, टैक्स कैग विनोद राय अपॉइंटमेंट्स ऑन द बैंक बोर्ड हैड रेजिस डिबेट्स ऑन प्रॉपर्टी। देखिए ये वही विनोद राय साहब हैं जो जिन्होंने एक के बाद एक बैक टू बैक रिपोर्ट्स निकाली, और आपका कॉमनवेल्थ निकाला स्कैम, फिर आपने 2G स्कैम निकाला, फिर आपने कोल माइनिंग स्कैम निकाला, और उस तरीके से बहुत ज़्यादा फिर पीएसी में मीडिया में मामला उठा, पार्लियामेंट तक नहीं चल पाई थी, और अल्टीमेटली जो आपकी कांग्रेस सरकार थी वो नेक्स्ट इलेक्शन में हार गई। तो क्या की रिपोर्ट्स का इतना इम्पैक्ट होता है। तो अब होता क्या है कि जब ये बीजेपी गवर्नमेंट ने आके इनको जो बैंक बोर्ड बनाया उसके ये यहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट दे दी, तो कांग्रेस वालों ने फिर ऑब्जेक्शन किया। तो यहाँ पे इस तरीके से कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा पॉलिटिसाइज होती रही हैं। अब यहाँ पे जो इनका ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए, एक्चुअली ये बनाया तो इस पर्पज से था कि जो पब्लिक सेक्टर को ये पूरा रिवैम्पिंग करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और सच डिसाइड करेंगे, और जो टॉप बैंक्स में जो है उनकी अपॉइंटमेंट देखेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाए गए थे। और इससे पहले भी अगर मैं बताऊँ, जो फॉर्मर कैग थे वीके सोंगलू, इनको भी कॉमनवेल्थ जब स्कैम आया था 2010 में, तो इनको भी प्रॉप के लिए कमेटी के लिए बनाया गया था। तो ये इस तरीके से चलते रहते हैं। हालांकि फिर विनोद राय साहब ने बोला था कि आई एम नॉट चार्जिंग एनी फी फॉर दिस पोस्ट, बट इट इज बोथ वे, आप चार्जेस नहीं ले रहे हैं, बट इट सीम्स टू द अदर कि यस देयर माइट बी सम कनेक्शन, दो ही इज ए मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी। यहाँ पे एन गोपाल स्वामी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि इसमें जैसे एक बार जो यूपीएससी के जो पहले जो आपके फॉर्मर चेयरमैन थे वो एक किदवई साहब को बिहार का गवर्नर बना दिया गया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर हेल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस एंड वॉज एन एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट। और तो ऐसा ही कुछ कैग के बारे में भी होगा, अगर कैग के ऊपर अगर कोर्ट में जाया जाए तो। अब यहाँ पर आता है ऑडिट ऑफ ओनली 40% मनी। अब 3 trillion इकोनॉमी, वी आर समवेयर लैंडिंग 2.8-2.9 trillion, और उसका 60% पैसा, तो देखिए आप देखिए कि स्क्रूटनी नहीं हो रहा। 40% हम कैग की बात कर रहे हैं, हम कैग की रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ह्यू एंड क्राई हो रहा है, बट नोबडी स्पीकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द 60% मनी, तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे वही बात है जो मैंने बताया है कि आपका एयरपोर्ट यूजर्स हैं आपका, आजकल तो प्राइवेट एयरपोर्ट जो बनने लगे हैं, तो बेसिकली इससे जो आम आदमी है उनसे ज्यादा चार्जेस किए जा रहे हैं। जो चीज 10 ईयर्स या 5 ईयर्स तक की थी उसको 15-20 ईयर्स तक खींच रहे हैं, ऐसे टोल टैक्स पे ये हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, तो ये होना चाहिए, कैग के रिपोर्ट्स में शामिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो आपकी मैं बार बार बता रहा हूँ, PPP मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पंचायती राज, अपन लोकल बॉडीज, सोसाइटी, एनजीओज, और आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत बहुत सारा पैसा किया जा रहा है। और ये खुद जो फॉर्मर कैग मिस्टर राय है, इन्होंने भी बोला है, लेकिन इसको अभी तक कोई काम नहीं किया है इस पे। आगे प्रिंट का आर्टिकल आया बड़ा इंटरेस्टिंग, IAS एंड IRS ऑफिसर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री डू नॉट रियली रिटायर इन द मोदी गवर्नमेंट। यू विल बी शॉक कि रिटायर क्यों नहीं, रिटायर होते हैं वो, रिटायर होने के बाद उनको काफी जो कुछ ही जॉब्स, मतलब बड़े मजेदार वाली पोस्ट विदाउट मच लाइबिलिटी, वो पोस्ट दी जाती हैं हाई प्रोफाइल, जैसे RBI का गवर्नर बना दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन बना दिया जाता है, चीफ विजिलेंस कमीशन बना दिया जाता है, कैग, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अब नेक्स्ट टाइम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो ये IAS ऑफिसर्स हैं, ये सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे मोदी गवर्नमेंट में, और सारे के सारे दे आर रिवॉर्डेड, समवन विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द J&K, समवन इज रिवॉर्डेड एज द कैग, द RBI गवर्नर है ना, तो चीफ आपके इलेक्शन कमिश्नर्स, दो ऑल दिस पर्सन आर हाईली इंटेलेक्चुअल नो डाउट। अब आती है कुछ कैग की अपॉइंटमेंट के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए ये एक बड़ी क्लासिकल चीजें हैं, मैं बिल्कुल चीजों को एनालिसिस करके बताता हूँ आप लोगों को। 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी साहब कहते हैं, जो आपके पहले ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बीजेपी अपोजिशन में थी, और ये वन बाय वन करके कैग की रिपोर्टें आ रही थी, तो बीजेपी को बड़ा मुद्दे मिल रहे थे। तो उसमें आपके आडवाणी साहब ने बोला था कि एक कॉलेजियन सिस्टम के तहत अपॉइंटमेंट होनी चाहिए कैग की, लेकिन अभी जैसे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन लोकसभा राज्यसभा मिलके फिर इलेक्शन करो, जिसको आपके DMK ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है पिछले 6 साल से, अब इस पर कॉलेजियम पे कोई काम नहीं हो रहा कि कैग को वही सिंगल एग्जीक्यूटिव के थ्रू ही आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। तो यानी आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, वंस यू आर इन अपोजिशन साइड कुछ अलग होता है, और द मोमेंट यू गेट इन टू द पावर आपका कुछ अलग होता है।
अब यहाँ पे बहुत सारे ये जो आपके रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे इसमें कॉलेजियम सिस्टम के तहत होना चाहिए अपॉइंटमेंट आपकी। और इसमें जो वी के सोंगलू साहब थे फॉर्मर कैग, जब इन्होंने आपका CWG कॉमनवेल्थ स्कैम जब उसके अपनी रिपोर्ट दी उस कमेटी में, तो उन्होंने खुद कहा था कि मल्टी मेंबर बॉडी होना चाहिए जैसे चीफ इलेक्शन। देखिए आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस को कब से जाने लग गए लोग, आम लोग, जब से टीन सेशन साहब थे। तो कोई भी ऑफिस उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि उसका इनकमेंट कौन है, उसका होल्डर कौन है। और ऐसे ही राय साहब से पहले कैग का ऑफिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता जितना राय, जो राय आपके विनोद राय साहब के बाद जब उन्होंने एक एक के बाद एक एक रिपोर्ट निकालते रहे, और तो वो ऑफिस बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन मिली मीडिया को, और द ऑफिस बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि वहां पे जो उसका पोस्ट होल्डर है वो कौन है। माई व्यू, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका ऑडिट है, हर पैसे का पब्लिक, हर सरकारी पैसे, एक रुपए का भी जो है ऑडिट होना चाहिए 100%। एनजीओ BBB मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, आपका अर्बन लोकल बॉडीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिस भी मॉडल के थ्रू अगर गवर्नमेंट पैसा जा रहा है, और ऑटोमेटिकली तो इसका 1971 का एक्ट अमेंड करके कैग का, और उसे सारी उसमें डालना चाहिए। तो एवरी सिंगल पैनी शुड बी ऑडिटेड। और आपका कैग का जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत अगर अपॉइंटमेंट हो जाए तो मच बेटर है, जिसमें आपके CJ हो सकते हैं, जिसमें आपके अपोजिशन लीडर्स हो सकते हैं, 50-50 बैलेंस है रूलिंग प्लस दूसरे मेंबर्स का। तो ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज चले आपका। और कैग मल्टी बॉडी मैकेनिज्म, आई थिंक कि इस पे बहुत व्यूज हो सकते हैं कि मल्टी बॉडी अगर बॉडी बनती है तो उसका अपना एक एक डेलिब्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्यूजेशन चार्जेस कम लगने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि मल्टी मेंबर बॉडी है तो जब आदमी तीन बंदे होंगे या दो होंगे तो उसमें एक ज़्यादा स्कोप हो जाता है आपका डेलिब्रेशन का, और एलिगेशन के चांसेस कुछ कम लगते हैं। तो आपका क्या व्यूज़ है इस पर जरूर बताइएगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर फ़ायदा हुआ होगा इससे। और प्लीज़ गिव योर कमेंट्स फेवर अगेंस्ट, क्या क्या आप इसमें क्या चाहते हो। थैंक यू सो नाइस। जय हिंद।